फटाफट से लेकर आ चुके हैं एक और पंजाबी, मतलब हाथ थोड़े से गर्म कर रहा हूँ, एक और पंजाबी ट्रेलर को। ये ट्रेलर है, इससे पहले टीजर था, ठीक है। इसका नाम है EJDK चल जिंदिए। होप ये EJDK ही हो, ये कुछ और ना हो। अगर इसका मतलब कुछ और है, ये ना मतलब ये प्रॉपर एक वर्ड है तो मुझे बता देना। वैसे तो इसका नाम मैं तो EJDK चल जिंदिए पढ़ रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में बताकर, ठीक है। बाकी स्टार कास्ट लिखिए ऊपर की तरफ, जल्दी से पढ़ लो आप। हम बिना किसी देरी के साथ डाइव इन करते हैं, ठीक है। 2 मिनट 58 सेकेंड्स का है, क्योंकि लंबा भी है ना, इसलिए 1080p में है। ये भी 4K में नहीं है यार, बॉलीवुड का हाथ कितने लोग पकड़ेंगे। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। विहेली जनता रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर आया है। हवेली नहीं है, विहेली है, ठीक है। 2.4 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इस पे, 2.4 मिलियन व्यूज़, ध्यान से सुन लो। 15 घंटे के अंदर अंदर 16,000 लाइक्स हो चुके हैं। डाइव इन करते हैं, ठीक है। हम भी एक लाइक कर देते हैं, क्योंकि जब इतना है प्यार तो हम भी प्यार दिखा दें। क्योंकि मुझे लगता है मैं इस पर प्यार दिखाऊंगा तो तुम भी तो प्यार दिखाओगे मेरी वीडियो पर। आ जाओ, दिस इज बिजनेस, आ जाओ। मेहताब जी, कभी थोड़ा दिल नहीं कीता पंजाब जानू? अनफॉर्चुनेटली कीता जी बहुत। सबटाइटल्स नहीं है। गए क्यों नहीं? वो जान ही नहीं देंदे। कौन? कनाडा में रह रहा है क्या? दिलजीत, तो तेरा पग दी पूणी करा देंगा उठ के। कार नॉट अगेन। कर लो यार तुसी आपे। ओ देना पैसे मुझे। पहचान भाई कौन है ये? कर लो यार तुसी आप। खिलाड़ी 786 में जो अपने अक्षय कुमार सर के दोस्त नहीं दिखाए अबे। वो है ये। इनकी इतनी एज हो चुकी है एक्चुअल में भाई। ये मूवी बहुत, मतलब मैं इतना हाइप हो चुका हूँ अचानक से, एनर्जेटिक क्यों हो चुका हूँ आई डोंट नो, लेकिन इनको देख के अचानक से मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ गई कि हाँ मूवी बहुत अच्छी होगी। किसी ने पैसे नहीं खिलाए, दिल की फीलिंग्स है। अब आएगा मजा। आपा देना पैसे पूसे कमा के पिंड जाना, तो उते जाके पूरे गाजे वाजे नाल करना है ब्याह। जे फॉरेन में रह रहे हैं इथे ही पूरे गाजे वाजे आए मजबूरी च, पर जाना थोड़ा मजबूरी च जा रहा है ना, मजबूरी है बट वहां जाना थोड़ी मजबूरी है। सही है, ये डार्क मीनिंग है। लोग वहां जाकर बस जाते हैं, ठीक है, वो भी इलीगल वे में जाते हैं वहां पे, और उन्हें क्या पता होता है कि उनका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं फॉरेन कंट्रीज में जो, मतलब एक वर्ड है जो मैं नहीं यूज़ करूँगा, मतलब बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत बुरी तरीके से रह रहे हैं वो वहाँ, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। मतलब फॉरेनर्स ने हम इंडियंस लोगों को जो बाहर रह रहे हैं उन्हें मतलब एक बैगर भिखारी बना दिया है। हर किसी को नहीं कह रहा हूँ मैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जिनके पास स्किल्स नहीं होती काम करने की, जो इलीगल वे में सोचते हैं ना हम कनाडा चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, उन्हें नहीं पता होता कि फिर उसके बाद उनकी लाइफ क्या हो जाएगी। और ये फैक्ट है। ये देखो भेदभाव बहुत करते हैं भाई, बहुत भेदभाव करते हैं। सीरियस रोल दिखाया इनका। ओके अच्छा, इन्होंने ये देखा है इसलिए भाग के आए थे। बेबी ने मेनू छोटे जे हुंदे नूं देखिया सी, उहनूं तां पता भी नहीं जवान पुत दी छू की होई हुंदी है। एक करी बेबी नूं मिलना ते रीज मैं अपने नाल लेके नहीं मरना। मतलब बहुत भाव है भाई, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है फॉरेन में इंडियंस के साथ। और मतलब ऐसे में किसी पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इंडियन जितने भी कास्ट या रिलीजन है उनमें से तो किसी को भी नहीं कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सभी के साथ भेदभाव है। इंडियंस जितने भी हैं,
जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी कास्ट के हैं, जिस भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं हम इंडियंस, ठीक है, उन पर बहुत जुल्म उठाते हैं, ये वर्ड सही रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई है, यहाँ पे भी लिखा है ट्रू इवेंट। बहुत बुरा लगता है यार, लोग उम्मीद लेके जाते हैं कि हम विदेश जाएंगे, कुछ करके ही वापस आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि पहले दिन ही उनके साथ बहुत कुछ हो जाएगा, कि वो करने लायक ही नहीं रहेंगे। खिंडे चावा लाडा ना तेरी भैन का विह किया सी, वो बंदे चंगे नहीं निकले, कुट दे मार दे रहे, ओए मैं तो तेनू ये भी नहीं कह सकता, इंडिया भी नहीं जा पाया, छड़ छड़ा के वापस आ जा, सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जा, वो कैसे आए वापस। नाइस, बहुत ज्यादा, मतलब मैं समझ सकता फिजिकल नीड्स भी होंदिया ने, वैसे ना देशों में कोई जज नहीं करता, मैं नाल दे रूम च जे थानू किसी भी चीज की लोड़ होवे। मन मेरी गल, आपां चलिए मनजीत, मैं जवाकां नूं छड्ड के नहीं जा सकदी, जब तुसी साडे देते नावां ते नहीं रहना, फिर इन्हां साडियां थावां ते भी क्यों रहना पुत्त। वेरी गुड स्पीच डैड, पिंड गुरुद्वारे जाके दो, रोज नींद दियां गोलियां खा के सौना मैं, जे पिंड जी नहीं सके मर तां पिंड जाइए जाके, पिंड में जी नहीं सके मतलब जीवन नहीं बिता सके तो मर तो कम से कम पिंड में जाए, मतलब घर अपना वापसी इंडिया। डार्क मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है, बहुत दर्द विछोड़े दा हाल नी, ये मूवी सबको अच्छी लगेगी। ये देखो, अच्छा ई जे डी के का मतलब ये है, एस जहानो डोर किटी किती चल जिंदिया, अच्छा चल जिंदी है, ई चल जिंदी है। ओके, बहुत डार्क डीप मीनिंग है, बहुत इंस्पिरेशनल होगी, ठीक है, बहुत मतलब ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, ठीक है, रियल लाइफ से रूबरू कराया जाएगा, ठीक है, खासकर उन लोगों की रियल लाइफ से जो सोचते हैं कि हम इंडिया से उस कंट्री में चले जाएं जहां इज्जत ही नहीं है। यार अपने इंडिया में कम से कम इज्जत तो है, हाँ आई नो मजाक उड़ाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग एक दूसरे को, लेकिन इतना बुरा बिहेवियर नहीं करते, ठीक है। मुझे बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा भाई, अभी तक के मैंने जितने भी पंजाबी ट्रेलर्स टीजर्स को किया सबसे बेस्ट ये है, ये है। पैसे नहीं खिलाए किसी ने, ये मेरा मुंह जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, ये इसको देख कर ही हुए हैं, किसी ने पैसे नहीं खिलाए, किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, मेरी अंदर की फीलिंग्स है, ठीक है, इस फीलिंग्स को मैं अब आपको दे रहा हूँ, आप भी इन फीलिंग्स के साथ इस ट्रेलर को जाकर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका। बाकी मेरा रिएक्शन कैसा लगा, कैसा लगा, एनर्जी से भरा हुआ लगा, लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताओ, अपना नज़रिया बताओ, अपना सुझाव दो कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। बाकी चलते हैं, मुझे बढ़िया लगा, सच में बढ़िया लगा, मैं जाऊँगा इसे देखने, हिंदी में आए बस, क्योंकि पंजाबी भी इतनी क्लियर नहीं आती, बस यही कहना चाहता हूँ, हिंदी में भी आए। चलते हैं, बाय।